अम्बाला में आज आपके जिला उपाध्यक्ष विनोद धीमान ने हरियाणा जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा और उनकी पत्नी यानी अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा के निवास के बाहर धरना लगाया और सरकार विरोधी नारे लगाए। दरअसल विनोद शर्मा अम्बाला के पूर्व विधायक हैं और हरियाणा जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी शक्ति रानी शर्मा अम्बाला शहर से मेयर हैं। विनोद शर्मा के पुत्र कार्तिक शर्मा भाजपा समर्थित राज्यसभा सांसद हैं। आप नेता विनोद धीमान ने आरोप लगाया है कि बीते विधानसभा और मेयर चुनाव में एक दूसरे से वोट लेने के लिए शर्मा परिवार और भाजपा एमएलए एक दूसरे से हाथ मिलाकर जनता से वोटे ले रहे हैं, लेकिन शहर के रुके हुए विकास कार्यों और सरकारी कामों में जनता को हो रही परेशानियों के मामले में दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बहरहाल विनोद धीमान ने आज अम्बाला की मेयर के निवास स्थान के बाहर धरना लगाया। उन्हें याद करवाया कि मेयर का चुनाव जीतने से पहले उन्होंने जो वायदे जनता से किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। जो जनता को वादे किए हैं मेयर मैडम ने, श्री विनोद शर्मा जी ने, उनको याद दिलाए जा रहे हैं, क्योंकि आज 3 साल होने को आए हैं नगर निगम चुनाव को। 2000 नौकरियों का है मामला और निगम में 1500 करोड़ रुपए का जो बजट का इन्होंने साल में वादा किया था और एनडीसी ख़त्म करने की बात की थी और जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं उनसे जो टैक्स हटाने की बात की थी वो इनके चुनावी वादे थे। उनको याद करवाने के लिए आज हम अम्बाला की जनता की आवाज़ के रूप में यहाँ बैठे हैं। सांठगांठ के आरोप लगा रहे हैं, कुछ पर पोस्टर पर बैनर भी लेके आए हैं। सांठगांठ तो ये पोस्टर बता रहे हैं कि जब इन्हों को अपने परिवार के लिए सत्ता चाहिए हो तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो उसमें असीम गोयल जी इनको वोट करते हैं और चाहे वो नगर निगम में बनी कमेटियां हों वो मुख्यमंत्री जी के वहाँ से बनकर आ जाती हैं, लेकिन जब जनता की आवाज़ हो काम करने की बात आती है तो विधायक जी कहते हैं कि मेयर मैडम काम नहीं होने दे रहे हैं और मेयर मैडम कहते हैं कि विधायक जी हमारे काम नहीं होने दे रहे हैं। अब यह जुगलबंदी नहीं चलेगी, अम्बाले की जनता समझ चुकी है और वो आज यहाँ वादे याद दिलवाने के लिए उनके यहाँ दरबार पर बैठी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भी दौरे पर जा रहे हैं, वो जनता से वायदे कर रहे हैं, सरकार पर निशाना साध रहे हैं, कार्तिक शर्मा बचाव करते हैं। नहीं, कहीं भी सरकार पर उन्होंने निशाना नहीं साधा है। वो कह रहे हैं रोजगार मिलने चाहिए, हम भी कह रहे हैं रोजगार मिलने चाहिए, विपक्ष भी कह रहा है रोजगार मिलने चाहिए, लेकिन ये रोजगार कार्तिक जी को तो मिल गया। ये देखो कार्तिक जी विक्ट्री का साइन बना रहे हैं राज्यसभा मेंबर बनकर और ये शर्मा जी लड्डू खिला रहे हैं। अगर 4 साल पहले विनोद शर्मा जी ने विधायक असीम गोयल जी की मदद की थी चुनाव में, यही बात कह के की थी कि मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि अम्बाला में आईएमटी लगाई जाएगी, 2019 से आज तक मैं पूछना चाहता हूं कि विनोद शर्मा जी कितनी बार मुख्यमंत्री जी से आईएमटी को लेकर मिले हैं और उनको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जो गांव में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, आज भी केवल वादे ही कर रहे हैं। वादे तो निगम में किए थे पहले, वो पूरे करो। आपको विपक्ष के तौर पर अम्बाला की जनता ने जिताया था और बीजेपी को हराया था, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि आप बीजेपी के साथ एक सांठगांठ कर लोगे।